आज के ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट रेसिपी और मैं आज बनाने वाली हूँ शाही भिंडी मसाला जो कि काफ़ी यूनिक है और मैं अभी डिनर के लिए बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। आज के ब्लॉग इट्स ऑल अबाउट, मतलब मैं रेसिपी शेयर करूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप ये ब्लॉग को इन तक देखो एंड एट लास्ट इफ यू रियली लाइक दिस ब्लॉग, अगर आपको ये ब्लॉग हेल्पफुल लगा तो आप ये ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर श्योर। तो मैं अभी नीचे जाऊंगी, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल, आप कैसे बनाओगे उसको। आई थिंक इट विल बी यम, सो स्टे ट्यून विद मी टिल एंड, बाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको चाहिए भिंडी ऑफकोर्स, और एक चीज़ है कि भिंडी हमेशा यूज़ करने या कट करने से पहले उसको वॉश करना है अच्छे से, कभी भी कट करने के बाद वॉश मत करना उसको, आपको मीडियम साइज़ में कट लेना है। फिर उसमें आपको डालना है सॉल्ट, टर्मरिक, बेसन या ग्राम फ्लोर जो भी आप बोलते हो, उसको ना अच्छे से उसको मिक्स करके अलग से आप रख दो, उसको फिर टच मत करो। नेक्स्ट स्टेप है आपको एक पेस्ट बनाने का। तो पेस्ट में आपको डालना है प्याज, टमाटर, जिंजर, गार्लिक, उसका एक पेस्ट बना लो। अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो, जितना भी आपको भिंडी है उसका अकॉर्डिंग आप ये सब डाल सकते हो, ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। और नेक्स्ट स्टेप है कि आपको भिंडी को फ्राई करना है, उसके लिए आपको चाहिए पैन, फिर आपको डालना है तेल। आप तेल डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर भिंडी। तो तेल में आपको भिंडी को फ्राई करना है, जो आप मिक्स करके रखे थे ना पहले, वही आपको फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई मतलब नहीं, डीप फ्राई नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन लिटिल बिट ब्राउन होना चाहिए। जब तक ये ब्राउन थोड़ा ना हो जाए तब तक के लिए आप फ्राई करते रहिए। अगर आपका भिंडी लिटिल बिट ब्राउन हो गया है तो मतलब है कि आपका भिंडी अच्छे से फ्राई हो गया है, तो आप इसको अलग करके रख देना, उसका भी काम नहीं है। अभी आपका मेन काम है मसाला बनाने के लिए। मसाला बनाने के लिए मैं यूज़ किया वही पैन में मैंने तेल डाला। उसके बाद आपको उसमें डालना है लाइक क्यूमिन, दैनलोंग, इलायची, दालचीनी, फिर आपको वो जो पेस्ट जो बनाई थी मैं ऑनियन टमाटर वाला, वो आपको डाल देना है। उसको अच्छे से पकाना है, अच्छे से पकाना है जब तक इसका तेल बाहर ना आ जाए, उसको अच्छे से पकाना है। उसके जब अच्छे से हो जाएगा ना वो, तब उसके बाद आपको डालना है मसाला, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, फिर रेड चिली पाउडर, वो तो आप डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्पाइसी वॉन्ट। फिर उसको अच्छे से पकाना है, अच्छे से उसको कुक करना है। सॉल्ट मैं बोलूँगी थोड़ा बाद देने, और सॉल्ट हमेशा पहले थोड़ा डालने का। अभी इसमें डालना है सॉल्ट, तो सॉल्ट मैं चाहती हूँ कि हमेशा पहले थोड़ा कम डालूँ, उसके बाद टेस्ट करूँ, अगर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा डाल दो और। तो बहुत टाइम तक उसको पकाने के बाद मैंने डाला उसमें नमक। अगर आपका ग्रेवी बहुत ज़्यादा, मानो मसाला ज़्यादा अगर वो हो जाए, ड्राई हो जाए, तो उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको फिर से कुक करो। उसको ना बहुत अच्छे से उसको मिक्स करना है, अच्छे से पकाना है, बहुत टाइम तक ये मसाला को रखना है। देखो जब तक इससे वो तेल बाहर नहीं आ जाता ना, तब तक आपको वो करना है कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप जो इम्पॉर्टेंट है वो है दही डालने का। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून दही डाला, क्योंकि इसका नाम ही है शाही भिंडी मसाला, तो दही तो बनता है, तो आपको इसमें डालना है दही। दही आप जब डालोगे ना तो पहले आपको लगेगा कि अरे यार ये कैसा हो गया, लेकिन उसको आपको अच्छे से पकाना है, अच्छे से उसको मिक्स करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपको उसमें ग्रीन चिली डालना है। देखो वो जो ग्रीन चिली या चिली पाउडर आप डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्पाइसी यू वांट। मैं यहाँ ग्रीन चिली डाली, बहुत लोग ग्रीन चिली का पेस्ट डालते हैं या ज़्यादा करके रेड चिली पाउडर ही डाल देते हैं। तो उसके बाद आपको डालना है उसमें जो फ्राइड वाला भिंडी था वही, तो उसको अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आपको लगेगा कि हाँ दिखने में सही है तो हो गया, लेकिन नहीं, आपको उसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि भिंडी को भी अच्छे से मिक्स होना है उसके साथ। फिर आप पानी डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द ग्रेवी यू वांट। बहुत लोग नहीं डालते हैं, वही ड्राई वाले खाते हैं, बट इट्स वेरी नाइस। तो ये रहा शाही भिंडी मसाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। मेरे घर पे चावल के साथ, रोटी के साथ सब लोग खाए थे एंड इट वाज रियली यम। मैं तो चाहती हूँ आप लोग ट्राई करके देखो एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये ब्लॉग या ये रेसिपी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।